नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी बैगर शेयर के सीरीज में दूसरे मल्टी बैगर शेयर के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में हम 20 स्टॉक्स आपको बताएंगे जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं वैसे शेयर बताइए जो कि आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे, आने वाले समय में आपको भरपूर बोनस दे। तो वैसे ही हमने सीरीज स्टार्ट किया है, एक मल्टी बैगर शेयर का, दूसरा भरपूर बोनस वाले शेयर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने इन सारे वीडियोज को नहीं देखा है, देखते हैं फर्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स, ये वीडियो नंबर 4 था जो कि आपको भरपूर बोनस दे सकता है। तो इन सारे स्टॉक्स को जाकर के एक बार अवश्य देखिए। तो आज हम मल्टी बैगर शेयर के सीरीज में दूसरे मल्टी बैगर शेयर के बारे में बताएंगे, और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बताइए जो आने वाले समय में दे सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज को हम सभी मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। मतलब इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए, आपको 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स बताना है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से। जैसे एक हो गया हमारा फार्मा सेक्टर से, एक हो गया आपको जैसे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से। तो इस तरह के 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको कमेंट में बताना है, ताकि जो नए लोग आए वो भी उससे सीख सके, ताकि उनको अच्छे अच्छे स्टॉक्स का पता लग सके। तो ये हम सभी मिलकर के इस मतलब चैनल को चलाते हैं, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि कमेंट में आपको 5 स्टॉक बताना है जो कि आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, तो ताकि सभी लोग सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन से। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है मात्र 21,000 करोड़ है, मतलब मिड कैप कंपनी है और नई लिस्टेड कंपनी है। इसके टेक्निकल चार्ट को भी जानेंगे, जो हमारा शॉर्ट टर्म चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट इसमें देखने नहीं मिलेगा क्योंकि 2019 में ही लिस्ट हुआ है, तो लॉन्ग टर्म चार्ट आपको इस कंपनी में देखने नहीं मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे ही हम डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से है ये मोनोपोली क्रिएट करता है अपने बिजनेस में। तो आप जैसे इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि नेम जानेंगे कंपनी के बारे में और इनके बिजनेस के बारे में जानेंगे, तो आप अपने आप मतलब इससे आश्वस्त हो जाएंगे कि आने वाले समय में ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा। साथ ही साथ इसमें एक निगेटिव पॉइंट भी है, मतलब इसके बारे में एक नेगेटिव पॉइंट भी है इस सेक्टर के बारे में, वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट कैप आपने देख लिया 21,000 करोड़, पी है हमारा 41 जो कि इंडस्ट्री से काफी ज्यादा है, बुक वैल्यू है 82 का, तो अर्निंग पर शेयर है 33 का, डिविडेंड परसेंटेज है 125% का। तो ये वैल्यूएशन हो गया कंपनी का, उसके बाद अर्निंग पर से 33 का है। आप यहाँ बुक वैल्यू और प्राइस का रेशियो देखते हैं, प्राइस जो है बुक वैल्यू से 16 times ऊपर है, तो प्राइस जो है बुक वैल्यू से 16 times है, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन आप देख सकते हैं, तो कॉर्पोरेट एक्शन में आप यहाँ पर 10 जुलाई को इसका फाइनल डिविडेंड और जो रिजल्ट था फाइनल 2020 फाइनेंशियल का वो आया था। उसके बाद डिविडेंड आप देख सकते हैं, कंपनी ने मतलब 24 फरवरी को 100% का डिविडेंड दिया था। यहाँ पर कंपनी नई लिस्टेड है तो बोनस तो दिया नहीं है, स्टॉक स्प्लिट हुआ ही नहीं है, तो फेस वैल्यू 10 है स्टॉक का, और बोनस अभी तक कंपनी दिया नहीं क्योंकि 2019 में ही ये कंपनी लिस्ट हुई है। तो अभी ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शन में आपको देखने के लिए कुछ नहीं, मात्र एक बार कंपनी डिविडेंड दी है। उसके बाद फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो फाइनेंशियल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स यहाँ देखते हैं, मार्च में था 495 करोड़ का सेल्स जो कि लगातार देख सकते हैं बढ़ते गया। अभी मार्च क्वार्टर में प्रभावित हुआ क्योंकि लॉकडाउन था और इस कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से बंद था। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं प्रॉफिट 48 करोड़ का था 2019 मार्च में, और ये बढ़ करके हो गया मार्च 2020 में 150 करोड़ का। प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है, 300 times का जंप, तो प्रॉफिट में 300% का जंप हुआ है। तो प्रॉफिट में यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी जंप हुआ है, 3 times मतलब 3 गुना हो गया, मतलब 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट में जंप हुआ। तो प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है, मतलब प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी बढ़ गया है। उसके बाद आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पाते हैं प्रमोटर्स के पास 87%। ये जो नया रूल है सेबी का 75% अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उसके अनुसार जब ये मतलब एडजस्ट होगा तो निश्चित है इसके बहुत सारे शेयर सेल किए जाएंगे पब्लिक में, तो इसका प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद FIs के पास है 0.77%, DIs के पास है 2.96%, उसके बाद म्यूचुअल फंड के पास है 1.29% और अदर्स के पास है 8.87%। तो ये हमारा जून का, देखते हैं जून क्वार्टर का 2020 का
जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट काफी बेहतरीन है, कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। यहाँ पर देखते हैं रिजर्व कंपनी के पास है 1167 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जो लगातार बढ़ते आया है। उसके बाद डेब्ट देखते हैं, कंपनी का जीरो है, तो बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास कितना है, 1296 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। कंपनी का जो बुक वैल्यू है 82 का है, बुक वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। उससे पहले कंपनी लिस्टेड नहीं थी, तो ये हमारा मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बुक वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है कंपनी का, मतलब पिछले साल ही लिस्ट हुआ, तो इस बार काफ़ी मतलब बढ़ा है बुक वैल्यू कंपनी का। नेट करेंट एसेट 1028 करोड़ का है, तो नेट करेंट एसेट भी कंपनी का काफ़ी इंप्रूव हुआ है। उसके बाद आप डिफरेंट रेशियोज देख सकते हैं कंपनी के। अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल से डबल हो चुका है 2020 के फाइनेंशियल ईयर में। 21 में काफ़ी प्रभावित होगा इसका, अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम होगा क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी गिरेगा क्योंकि कंपनी का सर्विस पूरी तरह से बिजनेस बंद है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 40 का ऐसा बेहतरीन कंपनी आपको मिलेगा, पूरे मार्केट में खोजेंगे तो गिने चुने कंपनी आपको मिलेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 51% ऐसा आप पूरे मार्केट में खोज लीजिए, 51% के साथ आपको गिने चुने एक दो कंपनी मिल जाए तो बड़ी मुश्किल से, तो ऐसे कंपनियों में से ये एक है। 51% का कैपिटल एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज रिटर्न है इसका। एसर्ट पे रिटर्न है 16% का, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो समझ सकते हैं इतनी बेहतरीन कंपनियां हैं और साथ साथ अपने बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करती है, बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। आप इसमें कोई भी वैसा पैरामीटर नहीं देखेंगे जो कि थोड़ा सा भी डाउटफुल होगा। उसके बाद करेंट रेशियो देखते हैं। करेंट रेशियो होता है करेंट एसर्ट बटे करेंट लाइबिलिटीज, तो करेंट एसर्ट बटे करेंट लाइबिलिटीज ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये है 1.60, करेंट रेशियो है 1.60, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो आपने देख लिया सारे पैरामीटर्स, मतलब सारे रेशियोज काफ़ी बेहतरीन है। तो करेंट रेशियो भी काफ़ी बेहतरीन, मतलब करेंट एसर्ट ज़्यादा होना चाहिए कंपनी के पास, तो वो भी है। और करेंट ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा बढ़ा है करेंट रेशियो, तो 1 से 2 के बीच हो करेंट रेशियो तो काफ़ी बेहतरीन होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे CAGR क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है कंपनी का, तो सारे चीज़ आप देख लेते हैं। सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स पर कंपनी को देखेंगे तो कंपनी आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आएगी। तो ऐसी बेहतरीन कंपनियाँ कौन सी है, तो उस कंपनी का नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। मतलब ये कैटरिंग में भी है, टिकटिंग में भी है, टूरिज्म में भी है, तो हर जगह है ये कंपनी। तो टिकटिंग से काफ़ी अर्निंग आता है, फिर इसका कैटरिंग से भी काफ़ी आता है, रेल नीड इसका वाटर है उससे भी आता है, टूरिज्म से भी इनकम आता है। तो चलिए कंपनी के वेबसाइट पर चलते हैं और इसके सारे बिजनेस को देखते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं IRCTC के वेबसाइट पर, यहाँ पर आप इनके सारे बिजनेस को देख सकते हैं। यहाँ पर आवर बिजनेस है, तो कोई भी कंपनी का जो वेबसाइट होता है उसके इंफॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है कंपनी का बिजनेस क्या है, कितना उससे रेवेन्यू आता है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। कंपनी का आगे का ग्रोथ रेट क्या होगा, कंपनी का आगे प्लानिंग क्या है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर के जान सकते हैं। यहाँ पर आवर बिजनेस पर जैसे आप ले जाएंगे अपने माउस को, तो यहाँ पर देख लीजिए कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, इंटरनेट टिकटिंग, उसके बाद ट्रेवल एंड टूरिज्म, रेल नेट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, तो चार मेजर बिजनेस है कंपनी का। कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी पर आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी में भी कई तरह के हैं इनके प्लान। तो पहला मोबाइल कैटरिंग जो कि होता है राजधानी में शताब्दी में, तो इस तरह से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में ये प्रोवाइड करते हैं। स्टैटिक कैटरिंग बिजनेस, अदर हॉस्पिटलिटी बिजनेस, ई कैटरिंग बिजनेस, तो समझ सकते हैं कि इसमें भी चार तरह के हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर इंटरनेट टिकटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो इस बिजनेस के बारे में आप जान सकते हैं। तो इस पर क्लिक किए नीचे आते हैं, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टिकट्स कितना बुक्ड हुआ किस साल में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2014-15 में काफ़ी कम था, मात्र 3228 टिकट, यहाँ पर लगातार बढ़ता गया, ये लाख में है 3288 लाख, मतलब 3288 लाख था। तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर कितना टिकट बुक किया, टोटल टिकट्स इतना था, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इतना था। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू इससे कितना आया, तो यहाँ पर आकर के रेवेन्यू देखते हैं 32,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हुआ, 32,000 करोड़ का रेवेन्यू ई टिकटिंग से।
तो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ से इतना का रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसमें जो कमीशन होता है, इसमें जो मतलब IRCTC कमीशन लेता है उसी से इसका अर्निंग होता है। तो ये पूरी तरह से मोनोपोली वाला बिजनेस है। एक जो डाउट आता है कि रेल का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो 2030 तक मात्र 5% रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा और ये बिजनेस काफ़ी बड़ा है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स है उसका मात्र 5% प्राइवेटाइज होगा और सबके सब IRCTC के पास ही रहेगा। तो अभी बिजनेस कुछ खास प्रभावित उससे होने वाला नहीं है क्योंकि ये मोनोपोली वाला बिजनेस है IRCTC का। उसके बाद यहाँ पर और जो बिजनेस है उसके बारे में आप ट्रेवल और टूरिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं, जाके रेल नीट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आप स्टेशन पर देखे होंगे तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जिरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। ये एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डिलीवरी पे कोई चार्ज नहीं लगता, इंटरडे पे मात्र 20 रुपये पर ट्रेड मिलता है आपको यहाँ पर लगता है और इस पे आप सारे जो ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर है फ्री में यहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप इंटरडे करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर यहाँ पर आप यूज करते हैं, जिससे आप सारे लेवल्स और टारगेट देख सकते हैं। तो हम भी आप देखते हैं जीरोधा पे आपको सारे लेवल्स और टारगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये IRCTC काफ़ी कम दिनों से लिस्ट हुआ है तो यहाँ पर 200 डे का जो EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर 100 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको दिखा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है 50 डे का मूविंग एवरेज और 20 डे का मूविंग एवरेज, तो इसके काफ़ी क्लोज है प्राइस। इसका अभी करेंट प्राइस है 1373 रुपीज़। तो IRCTC का जो करेंट प्राइस है 1373 मतलब 1373 रुपया। इसके काफ़ी क्लोज ये ऊपर नीचे यही साइडवेज मूवमेंटम है IRCTC का, यहीं पर साइडवेज मूवमेंटम देखते हैं, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इसी का मतलब 100 रुपीज़ ऊपर कह लीजिए, 100 रुपीज़ नीचे, 100 रुपीज़ ऊपर, 100 रुपीज़ नीचे, मतलब इसी का अगर 1400 के कहे 50 रुपया नीचे, 1400 के 50 रुपया ऊपर, तो काफ़ी दिनों से इसी रेंज में IRCTC का मूवमेंटम हो रहा है। अब यहाँ से IRCTC का मूवमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, मार्केट के डायरेक्शन पर। अगर हमारा मार्केट में लगातार तेज़ी बना रहा, 11000 निफ्टी क्रॉस कर चुका है, अगर वो 12000 की ओर जाता है तो निश्चित है कि ये भी एक दिन ज़बरदस्त यहाँ से ब्रेकआउट देगा। अगर मार्केट हमारा 12000 की ओर जाता है तो यहाँ से IRCTC भी एक दिन ज़बरदस्त ब्रेकआउट देगा और यहाँ से जो ब्रेकआउट देगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1600, पहला टारगेट होगा 1600, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 2000। तो आप मार्केट के डायरेक्शन पर ध्यान रखिए, अगर मार्केट 12000 की ओर जाता है तो निश्चित है इसमें काफ़ी ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत होगा, इसमें वॉल्यूम नहीं है। देखते हैं इसमें वॉल्यूम की पूरी कमी है, मतलब इसमें ट्रेड जो है काफ़ी कम हो रहा है, काफ़ी कम ट्रेड हो रहा है IRCTC में, क्योंकि ये साइडवेज ऊपर नीचे कर रहा है, किसी भी न तो नीचे के डायरेक्शन में जाता है न तो ऊपर के। अगर इसमें गिरावट आती है तो पहला जो मतलब सपोर्ट लेवल होगा वो 1200 होगा, पहला सपोर्ट लेवल 1200, अगर उसको ब्रेक करता है तो उसकी संभावना काफ़ी कम है, 1200 के लेवल को ब्रेक करना की संभावना काफ़ी कम है। वो तभी ब्रेक होगा जब मार्केट में काफ़ी गिरावट होगा। मार्केट में गिरावट कब होगा, तो जब मतलब ऐसा खबर आए कि पूरा फिर से लॉकडाउन लग रहा है, तो किसी मतलब कोई वैसा न्यूज़ हो जिस मार्केट को काफ़ी प्रभावित करे, तभी आपको यहाँ से गिरावट मार्केट में देखने मिल सकती है। अगर इसमें मार्केट के मतलब जैसे वैक्सीन का न्यूज आ जाता है कि वैक्सीन कंफर्म हो गया, तो निश्चित है मार्केट 12000 की ओर मूव करेगा, तो ऐसे में इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। जैसे वैक्सीन बनने का न्यूज़ आएगा तो इसमें मार्केट 12000 की ओर ब्रेकआउट देगा, तो इसमें भी ऊपर की ओर मूवमेंटम आपको देखने मिलेगा। तो ऊपर के लेवल आपने जान लिया, नीचे के लेवल जान लिया, तो आपको इन्वेस्टमेंट कब करनी है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी छोटा सा क्वांटिटी आप लेंगे। अगर नीचे का भी ये ब्रेकआउट देता है मतलब नीचे गिरावट आती है, तो वहाँ पर लगातार अपना हर गिरावट पर इसमें बाय करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो फिर आपको मार्केट के डायरेक्शन का वेट एंड वॉच करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए अभी पोजीशन आपको नहीं बनाना चाहिए। तो ये सारे लेवल्स और टारगेट थे और ये जो लिस्ट हुआ था IPO, अगर उसको जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पीछे आएंगे, ये 600 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये 800-900 के बीच ट्रेड करता रहा, वहाँ से जब ये ब्रेकआउट दिया तो ये 2000 के लेवल तक गया, वहाँ से पैंडमिक के कारण इसमें जो गिरावट आई वो 800 के आसपास तक आया और वहाँ से कभी देखने मिला, और ये वहाँ से अभी तक 1300 रुपये के आसपास
1300 से 1500 या नीचे 1200 इस रेंज में ट्रेड करता रहा हमेशा। अब बात करें RSI का, RSI 47 है। RSI यहाँ पर देखते हैं, RSI में फिर यहाँ से थोड़ा सा मजबूती आ रहा था, स्ट्रेंथ आ रहा था, फिर से इसमें वीकनेस आ गया। तो लगातार RSI क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो जो कि वीकनेस को दिखाता है कि इसके प्राइस में वीकनेस है, RSI में वीकनेस है, मतलब इसमें करेक्शन आ सकता है, जो कि मार्केट के करेक्शन को वेट कर रहा है। मतलब मार्केट में करेक्शन आया, निश्चित है कि इस स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, क्योंकि RSI में वीकनेस आपको यहीं से दिख रहा है, देख सकते हैं लगातार वीकनेस बना हुआ है। जैसे RSI हमारा ऊपर की ओर मूव करता है तो वो स्ट्रेंथ को दिखाता है कि इसका प्राइस में ऊपर मतलब मोमेंटम की डायरेक्शन आ सकता है। तो ये था IRCTC के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।